Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. दोस्तों अभी जो आपने 15 से 20 सेकंड का वीडियो देखा, आप इसे किस तरह से एडिटिंग कर सकता है, किस तरह से बना सकता है और बना के क्या फायदा है, थोड़ा सा बता दो इसका। कि आपको पता है कि अभी टिकटॉक का दौर चल रहा है, अगर आपको इस तरह का वीडियो बनाना आता है तो आप टिकटॉक पर छोड़कर खुद को वायरल कर सकता है। और टिकटॉक पर वायरल होने से क्या है आपको तो अच्छी तरह पता है क्योंकि आप खुद समझदार है। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा है, इसे किस तरह से बनाते हैं, बनाने के लिए एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है कैनमास्टर। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको इस प्लस वाले बटन पर करना, करने के बाद ये 16.9 रेशियो दिख रहा है, आपको इस पर कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। इसके लिए आपको मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद बैकग्राउंड पर जाने के बाद यहाँ बहुत सारे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, आप कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। मैंने सिंपली ब्लैक वाला बैकग्राउंड चूज कर लिया। करने के बाद इस बैकग्राउंड पर टच करके इसे इस तरह से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। जैसे आप बड़ा कर लीजिएगा तो यहाँ टिक मार्क कर देना। करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। आने के बाद आपका जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन वाला बड़ा का के साथ जो वीडियो है उसे लाने के लिए, और मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे, उस वीडियो का आप वहाँ से बड़ा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को लाने के लिए आपको लेयर पर टच करना है। लेयर पर टच करने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद जहाँ आपका वीडियो जैसे मेरा डाउनलोड पे आप भी वहाँ टच करके, ये देखिए वीडियो आ गया, वीडियो पर टच करके यहाँ से ओके करना है। करने के बाद आपका वीडियो भी टाइमलाइन पर आ जाएगा और आने के बाद आपको टिक मार्क इस तरह से वो कर देना है और आ गया है। और ये जब लेवल हो जाएगा, मतलब ये वीडियो जो ऊपर वाला लेयर है आपको वीडियो के लेवल पर लाना है। ये देखिए मैंने इसे खींच के लिया है बैकग्राउंड लेयर को और वीडियो की लेवल पर लाया हूँ, एक बराबर पर लाया हूँ और वीडियो वाले लेयर को और एक बार टच करेंगे। करने के बाद यहाँ जो थ्री ऊपर जो डॉट दिख रहा है कैंची वाले ऑप्शन के बीच में, आप इस पर टच करके यहाँ फुल वाले स्क्रीन पे फुल कर लेना है। करने के बाद टिक मार्क को कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो वाले लेयर पे इस तरह से टच करना है। टच करने के बाद यहाँ कोरमा की पे चला जाना है। कोरमा की पे जाने के बाद इसे अनवेल कर देना है। तो यहाँ जो के कलर है यानी कि इसे आपको ग्रीन कर लेना है, इस तरह से ग्रीन करने के बाद यहाँ टिक मार्क को कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप थोड़ा सा एडजस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप थोड़ा सा यहाँ से एडजस्टिंग कर सकते हैं। करने के बाद टिक मार्क को करेंगे और आपको यहाँ एक बार ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जैसे ही बराक ओबामा जी ये सब, ये देखिए जैसे इस चादर को पकड़ के आने की, ये पर्दा को पकड़ के खींचता है, तो आपको यहाँ अपना एक फोटो लगा देना है जो आपकी चॉइस है कोई भी। तो फोटो लगाने के लिए आपको सिंपली लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाने के बाद जहाँ आपका फोटोज है आपको लगा लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ फोटोज है, मैं सिंपली यहाँ से एक फोटो लगा लेता हूँ, कोई भी आप भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फोटो रख लिया है और आप यहाँ से इसे, ये देखिए इस तरह से एडजस्टिंग छोटा बड़ा कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ आपको टिक मार्क को करना है। करने के बाद जो फोटोज है वीडियो के एंडिंग पॉइंट तक लाना है, इस तरह से जैसे एंडिंग पॉइंट तक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टिक मार्क फिर से होकर करना है। फिर से फोटो वाले लेयर पर होकर करके यहाँ जो थ्री डॉट दिख रहा है आपको, थ्री डॉट पर होकर करके सेंड टू बैक पर होकर कर देना। जैसे आप सेंड टू बैक होकर करेंगे कुछ इस तरह सेंटर पर आएगा और टिक मार्क पर कर देना। और एक बार वीडियो को चालू करके देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए बड़े आसानी से आपको वीडियो भी रेडी हो जाएगा, भी दिख जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाला घंटे जरूर दबाना। तो ये देखिए दोस्तों बड़ी ईजी से आपका वीडियो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सेव करने के लिए आपके यहाँ जो शेयर वाला बटन दिखेगा यहाँ, तो आपको शेयर वाला बटन पे इस तरह से होकर कर लेना है। करने के बाद वीडियो का रेजोल्यूशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना एमपीपी के कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ मैं हाई पे रख लेता हूँ और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट वाला बटन पर होकर कर देना, तभी आपका वीडियो सेव हो जाएगा आपके फ़ोन पर। देखिए